तो जय जवाहर संगवारी, कैसे हो आप सब। मैं राजन कुमार आप सभी के स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजन कुमार ब्लॉग में। संगवारी हो, मैं हूँ अभी दुर्ग जिला के मड़ियापार गांव में, जहाँ के पोला महोत्सव बहुत ज़ोरदार मनाया जाते हैं। तो चलो संगवारी चलता है यहाँ पोला महोत्सव देखे पर आहान और आप मतलब भी देखा फिर। और यहाँ होने वाला है अभी बैला दौड़ एक संग में और भी कुछ कुछ कार्यक्रम हुई। तो चलो संगवारी चलता है ये बैला दौड़ देखो और यहाँ जो भी कार्यक्रम हुई ते आप मतलब दिखाबो। और जो भी संगवारी अभी तक मेरे चैनल में नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो कर अनुरोध है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लूँ, वीडियो मतलब लाइक करूँ और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करूँ, जगह से मोर आने वाले वीडियो के अपडेट आप सही समय मिल सके। एक अलावा आप मोला इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो चलो संगवारी चलता है अब ये पोला महोत्सव देखता है। तो संगवारी हो, हमन हम मड़ियापार दुर्ग जिला के मड़ियापार में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पोरा तिहार के ये में आज बैला दौड़ होने वाला है। और ये बैला दौड़ के आप मन देखा था पूरा लाइन से बैला मन हवे, देखो देखो कतका कन बैला मन है। आज पूरा तिहार है जेकर वजह से ये सब चीज यहाँ एक कार्यक्रम होते हुए ऊपर देखो का भीड़ है ऊपर में, बहुत बड़े ग्राउंड है यहाँ। थोड़ा सा नज़दीक से देख लेता ना मन हा, यहाँ बैला मन के कतका लंबा लाइन लगे है जो मन अभी दौड़ हो ही तेला। ये देखो यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, ये लमसम नहीं तो फिर भी 50 से 60 बैला मन है यहाँ जो ये दौड़ में भाग लेवा थे। ये देखो ये जगह से लेकर के वह कुंटा तक हवे और ये पूरा ग्राउंड में आप देखा तो कैसे है। अब चालू होने वाला है, वो तरफ से कोई नेताल वाला है, कोई अतिथिल वाला है जो यहाँ के ये दौड़ ला चालू करवाही अभी। और वो तरफ के माहौल आप मतलब सामने की भीड़ आप देखा था दुरियल दिखा थे। अब चाक वाला देखो हमन कतका पान है, फिलहाल हमन ये जगह से देख लेता, यहाँ चालू होने वाला है अभी। तो अरे मड़ियापार दुर्ग जिला से नकपुरा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ते हैं यहाँ, और नकपुरा से चालबांधा रोड में ये गांव है। जी हाँ, वो थे ये कार्यक्रम है मनाए जाते हैं पूरा तिहार बड़ी हो चालू होने वाला है और पूरा ग्राउंड लभी खाली करवाते ताकि बीच में कोई मत आए करके, तो सब्सिडी बजा बजा के सब आदमी मतलब सब ग्राउंड से साइड करवाते ताकि कोई दिक्कत मत करे कहके। तो देखो महिला मन कैसे अपन जगह लेकर आते हैं। बढ़िया पार ये गांव में यह पूरा महोत्सव के लगभग 60वां साल है और पिछले 60 साल से ये महोत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये साल के महोत्सव हम मना है ना देखो, एक ठोक बैला छूट के भाग के देखे थे और दूसरा बैल दो ठोक बैला इसने छूट के भाग गए। बहुत अफरा तफरी मच गए जैसे बैला मन दौड़ी थी यहाँ। अब कौन सा बैला वहाँ पहुंचे थे प्रथम कौन सा बैला है ते नहीं पता, जाग देखता। और सामने में अपन भीड़ देखा तो का गजब भीड़ है। Thank you.
लगा तो आप मन तो ये देखो ये चला थे पोला महोत्सव और यहाँ तक भीड़ लगे है, पूरा मेला जैसे माहौल है, मेला च लगे है मान के चलो। यहाँ पहली हुई से पहला दौड़ और पहला दौड़ के बाद में हमने एक पार आ था, अब एक पार में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ही, कुछ दुकान वगैरह भी लगे है और बिजली अच्छा चमकत है, देख बिजली का खड़कत है। पानी भी गिरा थे तो आप मन यहाँ के माहौल देख सका था, का गजब माहौल लगे है, माहौल है यहाँ, भीड़ भी है, इसने झूला वगैरह है लड़का मन पर, ये देख। और यहाँ टेंट में सब जन खड़ा हो गए पानी गिरत के। अभी ये जगह में का कार्यक्रम होते तिल जाग देख लेते हैं। तो ये देखो संगवारी, ये पानी चालू हो चुके हैं और पोला महोत्सव भी अपन रंग में है और सब दुकान वगैरह सब लगे हैं। देखो लाइन से पूरा चार दुकान लाइन से लगे हैं, यहाँ तक पूरा भीड़ लगे हैं। तो अंदर चलता पानी भी तेज हो गए, मेला अंदर में भी है, यदि बाहर में थोड़ा बहुत लगे अभी बहुत करने निशान अंदर में है। तो मेला चलो अंदर तरफ में जाके देखता ना कद का पान है मेला यहाँ। लेकिन संगवारी कद तक पानी गिरे अभी यहाँ, ये पूरा रेला बहा गए हैं, अगरबत्ती दुकान वगैरह मन लगे है पूरा। बारिश में यहाँ माहौल आप मन देखा तो का गजब के माहौल बन चुके हैं, सब तरफ अफरा तफरी मच गए है, काबर यहाँ कार्यक्रम चालू होने वाला है और पानी सरसा सरसलाऊ बरस गए। ये देख